लाइफ में हमको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। जो विकल्प हमने कल लिए थे वो हमारा आज बनाएगा, एंड जो भी चॉइसेस हम आज लेंगे उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। कभी कभी हम गलत विकल्प चूज़ कर लेते हैं एंड बाद में पछताते हैं। कोई भी हमें हर बार सही डिसीजन लेने का तरीका नहीं बता सकता, बट हम ज़्यादातर मामलों में राइट डिसीजन ले सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। एक अफवाह फैली थी कि एक कपल शादी के बाद बहुत खुशी से रह रहा है। उस आदमी के दोस्तों ने उसका खुश रहने का राज पूछा। उस आदमी ने कहा, राज ये है कि हमने सभी काम बांट रखे हैं, सभी बड़े फैसले मैं करता हूँ और वो छोटे। एक दोस्त ने पूछा, क्या वो तुम्हें बिना प्रॉब्लम के सभी बड़े फैसले करने देती है? हाँ, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके दोस्तों में एक दोस्त ये बात मानने को तैयार नहीं था और बोला, मुझे कोई एग्जाम्पल्स दो। उस आदमी ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं तय करता हूँ कि हमारे देश को युद्ध में जाना चाहिए या नहीं, हमें आतंकवाद से कैसे लड़ना चाहिए, किसे अगले चुनाव में जीतने चाहिए, और भी इसी तरह के बड़े डिसीजंस मैं लेता हूँ और मेरी वाइफ छोटे डिसीजन लेती है, जैसे कि हम कहाँ पे अपना घर ले, कौन सी गाड़ी खरीदे, बच्चे किस स्कूल में जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। असल में ज़्यादातर लोगों को गुस्सा या अधूरापन इसलिए लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके डिसीजन कोई और ले, क्योंकि विकल्प या चॉइसेस लेना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें हमें बहुत सोच विचार करना पड़ता है, हमारे एक्शंस या कार्यों का परिणाम कैसे होगा एक्सेट्रा। लेकिन ज़िंदगी में एक मौका पाने के लिए हमें खुद ये जिम्मेदारी लेनी होगी। रिलीजन्स जैसे कि अब्राहमिक, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा हमारे लिए चॉइसेस या विकल्प नहीं ले सकते हैं। हमें खुद के लिए एक फ्रेमवर्क या ढांचा बनाना होगा, इसे हमें खुद के लिए तैयार करना होगा, हमारी लाइफ की फिलॉसफी, हमारे जीवन का दर्शन शास्त्र। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।